मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग सब? आज है डे 6 ऑफ माय वियतनाम टूर और अभी मैं आप लोगों को तैयार भी दिख रही हूँ और मैं जा रही हूँ बाइक राइड के लिए। तो नील सो रहा है, सौविक उसके पास रहेगा, तो मैं और संतोष जाएंगे एक कपल बाइक राइड के लिए यहाँ पे। एक्चुअली मुझे अभी पता चला, संतोष ने बताया कि ये मल्टीपल आइलैंड्स है, तो जिस हलोंग में ही देर आर मल्टीपल आइलैंड्स। जिस आइलैंड में हम रह रहे हैं वो एक आइलैंड है और फिर एक और आइलैंड है और ये सारे बाय रोड कनेक्टेड है, तो ब्रिजेस थ्रू ब्रिजेस ऑफ कोर्स। सो वहाँ पर हम लोग पूरा राइड लेके आएंगे और पूरा बाइक को आज इंजॉय करने वाले हैं। नील आराम से रिलैक्स कर रहा है, सो रहा है, हम लोग जाएंगे घूमने। तो चलिए फिर साथ में चलते हैं। हाय गाइस, तैयार होते होते मिल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है गया, तो अब बस निकलना है हमें 5 मिनट के अंदर। तो मैंने सोचा अलग से बात करने का मौका नहीं मिलेगा आप लोगों से, तो अभी बात कर लेती हूँ आप लोगों से तैयार होते होते। मैंने वही, और यहाँ पे आप लोगों को पता है बारिश होने लगी है, बादल गरज रहे, और हमारा आज क्रूज़ का टूर था। थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि क्रूज़ कैंसिल हो जाए, तो देखते हैं क्या रहता है। और इतना जोश के साथ हम लोग सब थे क्रूज के ट्रिप के लिए, और अगर अब क्रूज कैंसिल हो जाएगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। पर अब प्रे कर रही हूँ बारिश रुक जाए, जिससे कि हमारा ट्रिप और हमारा मूड कुछ भी स्पॉइल ना हो। प्लान था हम लोगों का स्कूटी से जाने का, बट अब लग रहा है कि स्कूटी से तो नहीं जा पाएंगे, कैब भी बुक करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूटी का तो मौसम नहीं है शायद अभी। आई एम नॉट टू श्योर कि क्या वर्कआउट होगा, बट निकलते हैं यहाँ से और मिलते हूँ मैं आपको ऑन द वे क्रूज।
देख रहे हैं आप लोग पीछे का व्यू, ये माउंटेन्स और ये इसके अंदर केव्स हैं जिसमें कि हम लोग अभी जाएंगे। करंटली क्रूज पे हैं हम लोग और केव्स में जाएंगे। इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मज़ा आ गया, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम में यहाँ पे ऑफकोर्स ह्यूमिडिटी है बट हवा इतनी हल्की चल रही है कि इट्स जस्ट एन ऑसम फीलिंग। और यहाँ से अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ से कुछ बैम्बू बोट की राइड है जिसमें कि हम लोग जाएंगे। और क्योंकि एक और होता है कैनोइंग जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि नील हमारे साथ है, तो बच्चों के लिए दैट इज़ नॉट सेफ और पूरा बेट हो जाते हैं उसमें। तो उसने पूछा था कि यू हैव अ चॉइस इफ यू वॉन्ट टू लीव द किड बिहाइंड और उसके साथ अब कर लो, बट ये था कि नील को छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अब हम लोग सारे बैम्बू बोट पे जाएंगे। तो पीछे का व्यू देखिए आप लोग। कैसा लग रहा है आप लोगों को? और अभी हम लोगों ने नीचे मतलब ब्रंच सॉर्ट ऑफ वाज अवेलेबल, तो हम लोगों ने पहले ब्रंच किया, फिर हम लोग ऊपर आए और अब हम लोग यहाँ पे व्यू इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है इतनी फनी चीज़ हुई, हम लेट हो गए फिर से, पहले भी लेट हो गए थे जब हम लोगों को हो ची मिन्ह में जाना था, और अभी जो ऑर्गेनाइज़र थी वो हम लोगों को ढूंढ रही थी हमारा नेम प्लेट लेके, बट हम लोग मिल ही नहीं रहे थे और गुस्सा कर रही थी, तो दौड़ भाग पहुँचे। और जस्ट लुक एट द व्यू, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, व्यू आपको एक्सप्लेन करेगा सब कुछ, इतना अच्छा सब कुछ लग रहा है। पहुंच गए हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, विच वॉज द टी टॉप आइलैंड। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस थे कि आप या तो ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर बीच साइड इंजॉय कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ट्रैकिंग ऑप्ट किया था, पर जो स्टेयर्स थी वो इतनी स्टीप थी कि बैंड बच गया था। बट आई विल टेल यू, जो व्यू था ऊपर से दैट वॉज ऑसम एंड वर्थ ट्रैकिंग सो मैनी स्टेयर्स, सो अमेजिंग था। Thank you.
पहुंच गए हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, विच वॉज द सरप्राइज केव, एंड दे वर सो सरप्राइजिंग एक्चुअली बिकॉज दे वर सो ह्यूज एंड सो जायंट. लगी नहीं रहा था कि केव्स के अंदर इतना सब कुछ हो सकता है. अमेजिंग एक्सपीरियंस.